जरा कुछ नाच गाना दिखा दे हमको। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ? ओगेम्बो, खुश हुआ। कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं। पहले के जमाने में किसी एक जगह पर ड्रामा या नुक्कड़ करके दर्शकों का मन बहलाया जाता था, लेकिन फ्रांस के लूमियर ब्रदर्स ने सन 1896 में भारत की पहली साइलेंट शॉर्ट फिल्म बनाई। कह सकते हैं कि उस वक्त से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी दस्तक दे दी थी। लेकिन भारत में विधिवत फिल्म मेकिंग की शुरुआत हुई सन 1913 से। जी हाँ, सन 1913 में दादा साहेब फाल्के ने भारत की सबसे पहली लंबी फिल्म या यूं कहे पूरी फिल्म रिलीज की, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। अफकोर्स ये फिल्म भी साइलेंट और ब्लैक एंड व्हाइट ही थी, लेकिन दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र से भारतीय सिनेमा की शुरुआत हो चुकी थी। मजे की बात तो यह है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कैमरामैन दादा साहेब फाल्के ही थे। और तो और, मेकअप से लेकर एडिटिंग का काम भी उन्होंने ही किया था। और 1913 से लेकर 1918 के बीच दादा साहेब फाल्के ने कुल मिला के 23 फिल्मों का काफिला खड़ा कर दिया। भारतीय सिनेमा की इतनी निष्ठा से शुरुआत करने के कारण ही आज दादा साहेब फाल्के को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का फादर कहा जाता है। हालांकि उस समय इतनी फिल्में नहीं बन पाती थी जितनी बननी चाहिए, लेकिन फिर भी इस नई फिल्मी दुनिया ने दर्शकों के बीच में अपना स्थान बना लिया था। कुछ इसी अरसे के दौरान वेस्ट में हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रही थी। तब भारतीय फिल्में ज्यादातर ऐतिहासिक या पौराणिक हुआ करती थी, तो हॉलीवुड की फिल्में एक्शन फिल्म हुआ करती थी। खैर, भारतीय साइलेंट फिल्मों का दौर तब खत्म हुआ जब 1931 में आर्देसर ईरानी ने पहली बोलने वाली फिल्म बनाई। नाम था आलम आरा। पहली कलर फिल्म भी आर्देसर ईरानी ने ही बनाई थी। 1937 में बनी इस फिल्म का नाम था किशन कन्हैया। 1913 से लेकर 1931-32 तक ना सिर्फ मुंबई में फिल्में बनी, बल्कि 1917 में पहली बंगाली प्रोडक्शन की फिल्म नल दमयंती रिलीज हुई। उसके बाद 1919 में साउथ इंडिया की कीचाला वदम फीचर फिल्म रिलीज हुई और 1932 में पहली मराठी फिल्म रिलीज हुई, जो थी अयोध्या राजा। कुछ कुछ आधुनिक फिल्मों का निर्माण 1949 में होना शुरू हुआ, जब रोजमर्रा की जीवन शैली और समाज पे फिल्में बनने लगी। उसके बाद 1960 में नए डायरेक्टर ऋतिक घटक और मृणाल सेन जैसे फिल्म मेकर्स ने आम आदमी के जीवन पर और उसमें आने वाली तकलीफों के ऊपर फिल्में बनाना शुरू कर दिया। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब एक शरीफ लड़का किसी शरीफ लड़की से प्यार करता है तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। सन 1950 से लेकर 1960 का ये दौर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का स्वर्णिम दौर कहा जाता है। इस दौर ने भारतीय सिनेमा को कभी ना भुलाने वाले अदाकारा दिए, जिन्हें आज हम भी जानते हैं, जैसे कि गुरुदत्त, मीना कुमारी, राज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला, नरगिस, नूतन और देवानंद। लेकिन 70 का दशक आते आते हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से कुछ कदम ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, उसके स्टार्स, उसकी ऑडियंस एक अपने ही अंदाज में प्रगति कर रहे थे। 70 का दशक वो दौर था जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक नाम मिला, जिसे बॉम्बे और हॉलीवुड को मिक्स करके बॉलीवुड कहा जाने लगा, और बॉलीवुड को कई लोग इंडी वुड भी कहते हैं। 70 के दशक में आमतौर पर इंडियन सिनेमा को मसाला मूवी के तौर पर देखा जाने लगा। इस दौर में प्रॉपर ड्रामेटिक फिल्में बनने लगी और एक्शन फिल्मों का दौर भी इसी समय शुरू हुआ। 70 के दशक में बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और बच्चन जैसे कलाकार उभर के आए। ए अरुण बाबू, ये सच और झूठ के चक्कर में मत पड़ो। याद रखो, जिसमें इंसान की भलाई हो वो काम कभी बुरा नहीं होता। 15 अगस्त 1975 में रिलीज हुई शोले फिल्म सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जिसने रातों रात अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया। कितने आदमी थे? दो आदमी थे। सुंदर के बच्चों। और 80 का दशक हम कैसे भूल सकते हैं, जब अनिल कपूर, संजय दत्त, सन्नी देओल, नसरुद्दीन शाह, मिथुन, अमरेश पुरी, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर और ओम पुरी जैसे कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थे। धीरे धीरे बॉलीवुड की बनने वाली फिल्मों में लगातार तकनीकी सुधार हुए।
और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तमाशा अब खत्म हुआ। और 90 के दशक की शुरुआत हुई। इस समय ने माधुरी दीक्षित, जूही चावला, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे कलाकारों को बनाया। तो इसी समय में बॉलीवुड के तीन बड़े स्टार उभर कर आए। सन 1994 में रिलीज हुई हम आपके हैं कौन, सन 1995 में रिलीज हुई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और 1996 में रिलीज हुई राजा हिंदुस्तानी। इन तीन साल में रिलीज हुई तीनों फिल्मों ने बॉलीवुड के तीनों खानों को लाइट में ला दिया। 94 की हम आपके हैं कौन ने तो बॉलीवुड का तख्ता ही पलट दिया। दरअसल 1994 तक लंबे समय से बॉलीवुड में एक्शन फिल्में बना करती थी, लेकिन राजश्री की हम आपके हैं कौन ने बॉलीवुड का मारामारी और एक्शन फिल्मों से अलग एक सामाजिक फिल्म का अनोखा रूप दर्शकों के सामने पेश किया। और उसके बाद हम साथ साथ हैं और कभी खुशी कभी गम जैसी कई सामाजिक फिल्मों का निर्माण हुआ। तो सन 1995 की DDLJ से लव स्टोरी का युग शुरू हुआ। 21वीं सदी की शुरुआत में ही बॉलीवुड में एक नए सुपरस्टार की एंट्री हुई। राकेश रोशन की होम प्रोडक्शन कहो ना प्यार है ने ऋतिक रोशन को एक ही रात में सुपर हीरो बना दिया। और उसके बाद तो बॉलीवुड कभी ना रुकने वाली एक जलधारा के समान आगे बढ़ता रहा। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी फौज हमारे यहाँ आपके यहाँ नहीं, फिर भी मैं आपके सामने झुक के आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम किसी को अपने आप से छोटा या कमजोर नहीं समझते। नमस्ते। आज के दौर की अगर बात करें तो बॉलीवुड पहले से बहुत बदल गया है। साथ ही यहाँ सिर्फ भारत के लेवल पर ही नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्में भी रिलीज होती है। आज इंडियन सिनेमा के हर प्रोडक्शन हाउस की फिल्में दुनिया के और कई देशों में दिखाई जाती है। भारत और विदेशों में ऐतिहासिक मुद्रा कमाने वाली फिल्में दंगल और बाहुबली इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी गाथा है जिसकी अगर बातें करने जाए तो घंटों का समय भी कम पड़ जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर आपको हमारे ये प्रयत्न अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे परिवार के साथ। हैव अ वंडरफुल लाइफ, टेक केयर।